हे गाइस, ये हम हैं, ये हमारा केक है और हम इंडियन इंडस्ट्री में आ रहे हैं। शर परोसी का बना था हमारे मन में, शर परोसी का बना था हमारे मन में, शर भाई का नाम भाई का। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ अपने कोचिंग में। वहाँ 15 अगस्त मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो चलो चलते हैं मेरे कोचिंग में, आपसे मिलते हैं। आज क्या है? 26 जनवरी। 15 अगस्त है। 15 अगस्त आज स्वतंत्रता दिवस, आज अपना देश आजाद हुआ था ना अंग्रेजों से। तो गाइस, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं अपने स्कूल में। और आज स्कूल में क्या बटेगा? मिठाई ना? गाना कौन कौन गाएगा? कौन कौन गाना गाएगा? अगर मौका मिले तो आपको गाना गाना, ठीक है? जाओ जाओ, सभी लोग तैयार हो गए। सो गाइस, गूगल पी और छोटी भी अपने स्कूल जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं कोचिंग में। तो गाइस, मैं कोचिंग सेंटर पे आ गया और चलो चलते हैं आपको कोचिंग सेंटर के अंदर और देखते क्या क्या प्रोग्राम। इसके पहले मैं आया था और विदाउट ड्रेस आया था, बिना कपड़ा का, बिना और ऐसे ही आया था। तो चलो, लेट्स गो टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। और यू कैन सी दैट व्हाट्स गोली बन चुका है गाइस यहाँ पर, यहाँ पे तिरंगा भी लग रहा है। यू कैन सी और आप देख सकते हैं, यहाँ तिरंगा लग रहा है और हमारे सर बहुत ही बेहतरीन रंगोली बनाए हैं। कौन बनाया है? कोई भी किया हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा रंगोली बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, आई शो अप रंगोली दिखाता हूँ, बेहतरीन रंगोली। और सर हमारे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यू कैन सी दैट गाइस, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा देखा थे हम। सर पहुंचे यहाँ पे ली फरियाला, नीचे रंगोली बन रहा है, कुछ ना फरियाई, पहले बॉर्डर बना दीजिए उसके बाद बनेगा। इसे अच्छा फिशिंग हो गाइस, आज ना बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही थी और बारिश की सुबह एकदम ज्यादा खतरनाक मौसम हो गया था। बट कुछ समय बाद जैसे कि 6 जब बज रहा था, उस समय हम लोगों को लगा कि आज सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे, सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सोचे कि कुछ देर होल्ड करते हैं, उसके बाद तब तक भगवान ने इतना अच्छा मौसम कर दिया कि हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने कॉलेज भी जाएंगे। अभी अभी बज रहा है गाइस 8 बजने को है और मौसम बहुत ही कूल हो गया है और बहुत आराम से सब लोग सेलिब्रेट कर, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। रोडों पे यार एकदम तिरंगे तिरंगे, एकदम तिरंगामय हो गया है पूरा रोड और हर घर तिरंगा एकदम सफल हो गया। आज 15 अगस्त है और हम लोग एकदम हर्षोल्लास से अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने तिरंगे। और वो सर के कोचिंग के लड़के भी हैं, 9th 10th वाले भी हैं। और कुछ बड़े रहो ब्लॉग में, आज का ब्लॉग बहुत लाजवाब होगा। और ठीक है, हर परोशी की तमन्ना अब हमारे मन में है, देखना एक नजम बाजू का दिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो गाइस चलो चलते हैं, बने रहो ब्लॉग में और कंटिन्यू। तो गाइस फाइनली रिंग बन गया हम लोगों का, बहुत बेहतरीन लग रहा है। हे गाइस, देख सकते हैं आप, मैं इतना मेहनत से रंगोली बनाया हूँ, बनवाया हूँ। प्रेत विश्राम, प्रेत साधन, प्रेत ध्वजारोहण करने के लिए तैयार हो, करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। छुड़िए, हो गया। तो गाइस फाइनली झंडे को फहरा दिया गया है और झंडे बहुत अच्छे से तिरंगा प्यारा झंडा।
जय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा बोलो भारत माता की जय मातृभूमि का तन मन सारा बोलो भारत माता की जय आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए चल यमुना गंगा उछल चल तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे चाहे जब जय गाता जय गय मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे माता वंदे माता वंदे माता इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम् सुजलाम सुफलाम मलय जस भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय गैस तिरंगा फहरा दिया गया है। उसके बाद अब सर केक काटेंगे और सेलिब्रेट करेंगे हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो अभी वहां पर केक लगाया जा रहा है, उसके बाद केक कटेगा और आगे कार्यक्रम होगा और हम लोग तिरंगा गीत भी गाएं। और तो सब बने हैं ब्लॉग में और आपको दिखाते हैं आगे का ब्लॉग, ठीक है? कंटिन्यू रहिए। यहाँ पर केक है, अभी सर केक काटेंगे, उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है? हेलो गाइस, सभी लोग ये मैन ए गाइस ये हम हैं, ये हमारा केक है और हम इंडिपेंडेंस डे में आ रहे हैं। आज जैसे हम लोग सेलिब्रेट करके आए, तभी छोटे छोटे बच्चे पीछे आ रहे हैं सेलिब्रेट करके, सेलिब्रेशन करके। और आप देख सकते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। काम करिए तो गाइस आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर कितना जोश है, कितना जुनून है। और ये लोग कैंप निकाल के कैंपेन कर रहे हैं तिरंगा लेकर फहराते हुए। भारत माता की। तो गाइस कोचिंग में हम लोग अच्छे से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, जो कि सफल रहा हम लोगों को, मिस करता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे कॉलेज में अलग ब्लॉग के साथ, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ। गाइस कोचिंग से आने के बाद कॉलेज भी जाना है, चक्कर कुटीर इंटर कॉलेज। तो मैं और अमित आए हैं, साथ में जाएंगे, उधर से अमन को लेते हुए निकलेंगे। तो चलो चलते हैं अब चक्के कुटीर इंटर कॉलेज, वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और इंडिपेंडेंस अच्छे से मनाते हैं, ठीक है? बने रहो, चलो चलते हैं कॉलेज में। तो गाइस मैं अमन के गांव आ चुका हूँ और सत्यम अमन अवनीश को साथ लेकर हम लोग साथ निकलेंगे, ठीक है? अभी अवनीश आ रहे हैं, सत्यम आ रहे हैं और अमन आ रहा है। तो अब चलो कॉलेज में मिलते हैं आपसे। तो गाइस कॉलेज में आ चुके हैं और कॉलेज में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और आपको दिखाते हैं पूरा कॉलेज का नजारा। और कुछ ही समय बाद चालू होगा कार्यक्रम। हमारे सभी मित्र यहाँ पर हैं, ठीक है? और बाकी लोग भी आ रहे हैं, ठीक है? इंटर कॉलेज वाले अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं घर डिग्री कॉलेज और एनसीसी भाई लोग को देखे हैं।
गाइस कुछ ही समय बाद तिरंगा को लहराया जाएगा। अभी सब कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं, डेकोरेशन गाइस हम लोग जा रहे हैं कैंपेन करने भारत माता की नारा लगाने के लिए। और बहुत लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए। सत्या भाई ये आज भाई कैसे आए आप? पैदल आए यार, थाना गति से देश के लिए, देश के लिए थाना गति से पैदल आए। आप क्या करना चाहते हैं देश के लिए आज 15 अगस्त के पे? आप क्या करना चाहते हैं? ये सलूक इंडियन आर्मी और गुरुजी प्रणाम। तो गाइस सभी लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं और हम भी ला रहे हैं कतार में खड़ा होने। तो चलो चलते हैं और गाइस बाकी का कार्यक्रम इस हॉल में होगा। तो हॉल में हम लोग आकर बैठ चुके हैं और आपको बताते हैं, ठीक है? बने रहिए ब्लॉग में। टूर रूम में जगह कम था सर, अब बोले हॉल में चलो। सभी लोग तो हॉल में जा रहे हैं, हॉल में काफी जगह है, वहाँ आराम से सब लोग तो लेट्स गो, चलो चलते हैं हॉल में और आपको हॉल भी दिखा देते हैं, ठीक है? बने रहो ब्लॉग में, देखो कितने लोग आए हैं। इतने लोग तो एक रूम में बैठ पाना मुश्किल होता है। सभी लोग हम लोग आकर यहाँ वेट कर रहे हैं, दरवाजा खुलेगा हॉल का तो उसके अंदर सभी लोग जाएंगे। तब तक ब्लॉग में बने रहिए और अंदर चलते हैं तो आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है? ये कंटिन्यू दोस्तों, देखो कितना भीड़ है। फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं हॉल में और आपको हॉल का नजारा दिखा रहे हैं। बहुत ही बड़ा हॉल है और इसमें सभी सेमेस्टर के लड़के आ जाएंगे, सभी बैच के लड़के आ जाते हैं। गाइस स्पीच देने के लिए सर नाम नोट कर लिए हैं, उसके बाद अगर मुझे कुछ हो सकता है जाना पड़े स्पीच देने के लिए तो देखते हैं कैसे जाता है। अगली बार तो बिना तैयारी का किया था, इस बार तो एक बार देखा था स्पीच क्या देना है और मैं भगत सिंह के बारे में बात, ठीक है? तो बने रहे ब्लॉग में। गाइस स्पीच में मतलब बेस्ट नहीं कर पाया, अपना 100% नहीं दी पाया क्योंकि समय का अभाव था। सर बोले कि समय बहुत कम है तो उसके वजह से थोड़ा सा शॉर्टकट में अपना स्पीच को रखना पड़ा। और समन और सत्या सब लोग पहले ही निकल गए हैं और मिष्ठान नहीं पाए तो उसके बाद फिर गए, फिर उनको जाना पड़ा और बाद हम लोग निकल रहे हैं घर कॉलेज से। किसी ने चोरी कर दी है और मेरी बाइक की किसी ने आगे से वो जो होता है रबर वाल होता है उसको किसी ने चुरा लिया है यार, मुझे दूसरा लगवाना होगा। कोई चोरी कर लिया यार बाइक की, वो आगे क्या करें, कहाँ खड़ी किए थे वहीं बताओ, कॉलेज में ये काम हो रहा है बताइए। और एक बात छोड़ो, चलो कमेंट करते हैं। कैसे बैठे हैं?